तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। टीम यहाँ पे है, हमारे डीआईजी साहब हैं, एटीएस डीआईजी साहब, एसपी एटीएस यहाँ पे हैं, हमारे चारों डीवाईएसपी यहाँ पे हैं, पूरी टीम हमारी यहाँ पर है। जो भी क्वेश्चन पूछना होगा एक एक करके आराम से पूछेंगे, सब लोग आराम से जवाब देंगे। एक पूरी जो इंसिडेंट बनी है उसका मैं एक ब्रीफ आपको दे देता हूँ। थैंक यू। आप जब बोलेंगे शुरू करें तो मैं शुरू कर दूंगा। गुजराती नहीं, हिंदी बोलूंगा। आई एम कम्फर्टेबल इन हिंदी। गुजराती मेरी इतनी खराब है कि आपकी चैनल बंद कर देंगे, लोग स्विच ऑफ कर देंगे मेरा। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट का ही करूंगा और एसपी एटीएस आपको दैट राजस्थान वाले केस के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो 12 मार्च 1993 के दिन मुंबई शहर में लगभग 12 जगहों पे विस्फोट हुए, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की जान गई और 700 से ऊपर लोग इंजर्ड हुए। ये एक बहुत ही दहशत वाला दिन था और उसकी इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस की एसटीएफ और बाद में सीबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। लगभग 190 लोगों को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट किया गया और बहुत से लोग इसमें ऐसे थे जो अभी तक हमारे सीबीआई के पकड़ में या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पकड़ में नहीं थे। बहुत लोग एब्सकॉन्डर इस केस में रहे थे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में और बाकी सब देशों में चले गए थे। इतने सालों से हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती थी, सभी लोगों को हम ढूंढने का प्रयत्न करते रहते थे। देश की सभी एजेंसी इनको ढूंढने का प्रयत्न करते रहती हैं और हम लोग भी उसमें लगे रहते हैं एटीएस के रूप में। हमें माहिती मिली, हमारी टीम को माहिती मिली, जो के एन पटेल साहब की टीम है और इनके साथ हमारी डीवाईएसपी रोजिया साहब, हमारे डीवाईएसपी चावड़ा साहब और हमारे पीआई बीवी पटेल, सभी लोगों की टीम जो ऐसे केसों को डील करती है, इनको माहिती मिली कि चार लोग कुछ ऐसे शकमंद रूप से हमारे एरिया में यहाँ पे कर रहे हैं। उस माहिती के आधार पे सरदार नगर एरिया से हम लोगों ने चार लोगों को